शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तां पहला अध्याय 40वीं कहानी हरगिज ओरा बदोस्ती मपसंद की रवत जाए ना पसंदीदा। लोग किसी बादशाह के पास चीन देश की एक छोकरी ले गए। बादशाह नशे में चूर था, उसने उससे सहवास करना चाहा, लेकिन उस लड़की ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। इस बात से बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसने उस कन्या को एक अपने हफ्से गुलाम के हवाले कर दिया। इस मनुष्य का ऊपर का होंठ उसके नथने तक चढ़ा हुआ था और नीचे का होंठ छाती तक लटकता था। इसकी सूरत ऐसी थी कि सकरा राक्षस भी उसे देखकर डर के मारे भाग जाता। उसकी बगलों से मेले का झरना झरता था। अगर तुम उसे देखते तो यही कहते कि संसार भर में इससे अधिक बदसूरत और कोई न होगा। उसका रूप ऐसा बुरा और घिनौना था कि जिसका बयान करना असंभव है। उसकी बगल में से ईश्वर हम लोगों की रक्षा करे, भादों के महीने में धूप में रखी हुई लाश की तरह दुर्गंध निकलती थी। हफ्सी ने मस्ती के जोश में आकर उस कन्या का सतीत्व नष्ट कर दिया। जब सवेरा हुआ तब बादशाह ने उस लड़की की खोज की। लोगों ने रात का सारा हाल बादशाह को कह सुनाया। बादशाह बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने हफ्सी और लड़की दोनों को हाथ पैर बांध राजमहल की छत के ऊपर से खाई में डाल देने का हुक्म दिया। एक नेक मिजाज वजीर ने पृथ्वी चूमकर बादशाह से दया प्रार्थना की और कहा, हफ्सी इस मामले में अपराधी नहीं है, क्योंकि सभी नौकर और गुलाम शाही इनाम इकराम पाया करते हैं। बादशाह ने कहा, उसे एक रात भर तो अपना जोश दबा रखना उचित था। उसने जवाब दिया, अफसोस मेरे मालिक, क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी है कि जब कोई प्यास के मारे घबराता हुआ किसी निर्मल झरने पर पहुंचता है, तब यह ख्याल मत करो कि वह मतवाले हाथी से बही खाएगा। इसी तरह अगर कोई भूखा नास्तिक एक भोजन से भरे हुए मकान में अकेला बंद कर दिया जाए तो वह रमजान के रोजे का ख्याल रखेगा? इस बात का विश्वास मुझे नहीं होता। बादशाह इस दिल्लगी से खुश हुआ और बोला कि इस हफ्सी को मैं तुम्हारी भेंट करता हूँ, परंतु इस लड़की का क्या करूँ? उसने उत्तर दिया कि इसे इसी हफ्सी के हवाले कर दीजिए, क्योंकि इसका जूठा खाना किसी को पसंद नहीं है। शिक्षा, जो गंदे स्थानों में आए जाया करते हैं उसकी संगति हरगिज मत करो। मनुष्य यद्यपि प्यासा ही क्यों ना हो, किंतु वो दुर्गंध युक्त सांस वाले के झूठे और मीठे पानी को नहीं पिएगा। जबकि नारंगी की चढ़ में गिर पड़ी है तो वो फिर बादशाह के हाथ में नहीं दी जा सकती। प्यासे मनुष्य का दिल उस पानी पर कैसे चलेगा जो पीप टपकते हुए होठों में छुआ गया है। शिक्षा, गणित चीज के सहवास से अच्छी चीज भी बुरी बन जाती है। कहानी समाप्त।